हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके प्रे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वी आर डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान क्वेश्चंस। जितने भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के अंदर हम सोल्व कर रहे हैं, वो सभी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर पूछे गए। तो आज इसी टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसको शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोला। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें देना है ऑप्शन ए कंजर, ऑप्शन बी कैथोड़ी, ऑप्शन सी सांसी और ऑप्शन नंबर डी है सहरिया। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है कि राजस्थान की वो कौन सी जनजाति है जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। तो राइट जो आंसर दोस्तों इसके अंदर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कंजर जाति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी ग्रासिया और ऑप्शन नंबर डी है मीना। तो इन चार ऑप्शंस में से आंसर को सिलेक्ट करना है। भारत के आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की कौन सी एकमात्र जनजाति को शामिल किया गया? तो अगर राइट ऑप्शंस की बात कर ले दोस्तों, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए सहरिया, जो जनजाति है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड कि ग्रासिया जो जनजाति है उसमें प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू जो रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार होता है, तो कौन सी जनजाति जिसमें जो श्रेष्ठ जो विवाह होता है वो हिंदी या हिंदू रीति जो रिवाज होते हैं उसके अनुसार होता है? तो ऑप्शंस ए पहनरावणी, ऑप्शन बी ताड़ना, ऑप्शन सी मोरबंदिया और ऑप्शन नंबर डी है आटा साटा। तो इन चार ऑप्शंस में से आंसर को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोरबंदिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड़ी जाति की जो महिलाएं हैं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं जिसे निम्नलिखित में से क्या कहकर पुकारा जाता है? ऑप्शन ए पोतिया, ऑप्शन बी मेक, ऑप्शन सी फड़का और ऑप्शन नंबर डी है कछबू। तो इन चार ऑप्शंस में से आंसर को हमें सेलेक्ट करना है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील पुरुषों के द्वारा बालों को ढकने के लिए सिर पर पहनने जाने वाला जो वस्त्र है इनमें से कौन सा है या उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए कछाव, ऑप्शन बी पगड़ी, ऑप्शन सी पोतिया और ऑप्शन नंबर डी है पितोछा। तो चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आंसर को हमें सेलेक्ट करना है। राइट जो आंसर होगा दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कौन सा? पोतिया। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन आता है अपने पास में कि किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आंगड़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भील, बी मीना, ऑप्शन सी ग्रासिया और ऑप्शन नंबर डी है सहरिया। चार ऑप्शंस में से आंसर सेलेक्ट करना है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके अंदर मृत व्यक्ति का जो स्मारक होता है उस पर बनी मूर्ति को आंगड़ के नाम से जानते हैं या बोला जाता है। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों इसके अंदर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भील जनजाति के अंदर जो मृत व्यक्ति होता है उसकी मूर्ति को किस नाम से? आंगड़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, बालर
किस जाति का लोक नृत्य है? भील जाति का, ग्रासिया जाति का, सहरिया जाति का या फिर मीना जाति का? चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आंसर को सिलेक्ट करना है। तो राइट जो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ग्रासिया जो जनजाति है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, किस जनजाति के अंदर सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेत और विवाह को मोटी पेन के नाम से जानते हैं या कहा जाता है? ऑप्शन ए डामोर, बी सासी, सी ग्रासिया और ऑप्शन नंबर डी है कैथोली। तो चार ऑप्शन हैं, इनमें से आंसर हमें सेलेक्ट करना है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें सगाई तय होने की जो प्रक्रिया है उसको नानी पेत और विवाह की जो प्रक्रिया होती है उसको मोटी पेन के नाम से जानते हैं। तो वो जो जनजाति है दोस्तों वो कौन सी होने वाली है? वो होने वाली अपने पास में कौन सी? कैथोड़ी। नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन है उसकी तरफ बात करते हैं, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? कौन सा? गमेती। इन चार ऑप्शंस में से किन जनजाति का एक नेता कहा जाता है या फिर माना जाता है? ऑप्शन ए भील जनजाति का, बी मीना जनजाति का, सी गुज्जर जनजाति का, सी और डी है ग्रासिया का। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आंसर सेलेक्ट करना है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके नेता को हम गमेती के नाम से जानते हैं। और राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन ए भील जो जनजाति है उसके अंदर। नेक्स्ट आता है सामाजिक सहकारी जो संस्था है कौन सी? होलेरू। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है? ऑप्शन ए सहरिया, बी कंजर, सी भील व मीना और ऑप्शन नंबर डी है ग्रासिया। तो इन चार ऑप्शंस में से आंसर हमें सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, और लास्ट का जो आंसर होने वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर डी ग्रासिया जनजाति। क्लियर है? तो ये था बहुत ही शानदार जो प्रैक्टिस सेट है जीएस का फ्रेंड्स। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर डालें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।